हेलो एवरीवन। तो भाई आज एक न्यूज़ के साथ मैं आया हूँ। आज सिलेबस नहीं करेंगे, आज एक न्यूज़ के साथ आया हूँ। और ये न्यूज़ 12th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली ध्यान से ध्यान देने वाली न्यूज़ है, क्योंकि CBSE बोर्ड ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है, जिसके बेस पे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपका जो पेपर है वो कैसा आने वाला है। जी हाँ, आपका पेपर कैसा आने वाला है आपको इससे आइडिया हो जाएगा, और आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है कि आपको किस स्ट्रेटेजी या किस चैप्टर पे या किस यूनिट पे ध्यान ज़्यादा देना है, आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, वो चीज़ आप कर सकते हैं इस न्यूज़ की हेल्प से। और वो न्यूज़ क्या है कि CBSE बोर्ड ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है। उन्होंने आपको सैम्पल पेपर दिया है कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो इस तरीके से आने वाला है। तो मैं आज उन पॉइंट्स को ही डिस्कस करने वाला हूँ कि पेपर में क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और हमें तैयारी कैसे करनी है, किस चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, या ये कहूँ कि किस चैप्टर में ज़्यादा हमें डिटेल में स्टडी करनी है, और अपने पेपर को ध्यान में रखते हुए हमें किस पार्ट को इग्नोर नहीं करना है। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड ने रिलीज किया है उसके पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कि बोर्ड के पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शंस होंगे, और कितने क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, कितने 2 मार्क्स के होंगे, कितने 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के होंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए बच्चे वेट करते हैं कि चॉइस कहाँ कहाँ मिलेगी और कितनी मिलेगी। ठीक है, सो वो सारे पॉइंट डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैंने इस साइड जो लिखा है वो मैंने आपका सिलेबस लिखा है कि किस यूनिट को कितनी कितनी वेटेज दी गई है। यहां मैंने लिखा है कि जो स्टार्टिंग की आपकी 5 यूनिट्स हैं, कौन कौन सी, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, ये 5 यूनिट्स जो हैं इनको वेटेज दी गई है कितने मार्क्स की, 23 मार्क्स की। मीन्स स्टार्टिंग 5 यूनिट्स की जो वेटेज है दैट इज 23 मार्क्स। फिर यूनिट नंबर 6 आपके सिलेबस से हटा दी गई है, मीन्स 6 को यहां से रिमूव कर दिया गया है केवल इस साल, साल मीन्स 2021 के लिए, क्योंकि कोरोना के कारण ये सिलेबस वहां पर रिड्यूस किया गया है, तो 6 यूनिट रिमूव कर दी गई है। तो उसके बाद 7th, 8th, 9th, ये 3 यूनिट जो है ये इनकी वेटेज कितनी दी गई है, 19 मार्क्स। मतलब 7 पीपल ऑफ एलिमेंट, डी एंड एपल ऑफ एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तीनों चैप्टर में डिटेल में करवाए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक करवाए हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, फुल चैप्टर्स की मैंने वहाँ प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर वाइज, तो वहाँ देख लेंगे। तो 7th, 8th और 9th तीनों की वेटेज कितनी है, 19 मार्क्स की है। ठीक है, उसके बाद आपकी 10th कौन सी, हेलो एल्केन, हेलो एरेन, जो रिसेंटली हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद 11th यूनिट कौन सी, एल्कोल फिनोल ईथर, 12th यूनिट कौन सी, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। 13th यूनिट कौन सी आपकी, अमेन्स की यूनिट है, और 14th कौन सी यूनिट है आपकी, बायो मोलिक्यूल। 15 पॉलीमर एंड 16 यूनिट ये आपके सिलेबस से इस साल के लिए क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है। किस साल के लिए, 2021 के लिए। तो 2021 सिलेबस में ये 3 यूनिट कौन कौन सी, 15, 16 एंड 6 यूनिट, ये यूनिट रिमूव कर दी गई है, ये आपको पता भी होगा। तो जो ये लास्ट की 5 यूनिट है, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास की कितने मार्क्स की है, 28 मार्क्स की है। मतलब 70 मार्क्स में से 28 मार्क्स की तो आपकी ऑर्गेनिक ही केमिस्ट्री है। इसका मतलब इसको आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 23 मार्क्स की आपकी क्या आती है, फिजिकल केमिस्ट्री आती है, और 19 मार्क्स की आपकी क्या आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि ये पार्ट कौन सा है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये फिजिकल और ऑर्गेनिक टोटल अगर आप चेक करो तो ये आपका 51 बनता है आउट ऑफ 70। मीन 70 में से 51 मार्क्स की आपकी फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ये 3 यूनिट जो आपकी है इनऑर्गेनिक की, ये 20 मार्क्स की हैं। यहां से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो बात हो गई आपके सिलेबस की, सिलेबस का जो यूनिट वाइज वाइज वर्केशन कहूँ, या ये चैप्टर टॉपिक
या ये मैं पार्ट वाइज बाइफर्केशन कहूँ, फिजिकल पार्ट कितना, इनऑर्गेनिक पार्ट कितना और ऑर्गेनिक पार्ट कितना, तो इस तरीके से है। अब बात आती है जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसके बारे में बात करेंगे। सीबीएसई ने जो एसक्यूपी रिलीज किया है, सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है, ध्यान से समझना क्या समझना समझने वाली बात है। इस बार जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे, 33 आएंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली है। तो टोटल क्वेश्चंस हो गए आपके 33। अब सेक्शन कितने बनेंगे, सेक्शन बनेगा आपका फर्स्ट ए सेक्शन, बी सी एंड डी, मींस टोटल हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, फोर सेक्शंस आर देयर। बट सेक्शन में भी अगर मैं चेक करूं तो सेक्शन वाइज क्वेश्चंस कितने कितने बनेंगे और कहां से कहां तक कौन सा सेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक ध्यान देंगे, जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन से 16th क्वेश्चन तक पूरा पार्ट जो है वो सेक्शन ए का रहेगा। 17th क्वेश्चन से 25th क्वेश्चन तक ये सेक्शन आपका कौन सा रहेगा, बी सेक्शन रहेगा। 26th क्वेश्चन से 30th क्वेश्चन तक, मीन्स 26 टू 30 कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, 5 क्वेश्चन, तो ये आपका सी सेक्शन रहेगा। और 31 से लेकर 33 तक ये आपका डी सेक्शन रहेगा। तो ये तो हो गए क्वेश्चन वाइज, मींस किस क्वेश्चन से किस क्वेश्चन तक कौन सा सेक्शन है। अब सेक्शन वाइज क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन कितने हो गए, मैंने कहा 1 टू 16, तो कितने क्वेश्चन बनते हैं टोटल, टोटल बनेंगे आपके 16 क्वेश्चन। यहां मैंने 2+14 करके लिखा है, इसके पीछे भी रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इस साल जो चेंजेस बोर्ड एग्जाम में हुए हैं वो आपको सारे ध्यान रखने हैं। तो मैंने यहाँ 2+14 किया है, जो ये 2 क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान देने वाली बात है, जो ये 2 क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए मैंने यहाँ नोट लिखा है। नोट को पढ़े क्या कहता है कि सेक्शन ए के अंदर हैविंग फर्स्ट 2 क्वेश्चन, ये जो पहले 2 क्वेश्चन होंगे जिनको जो मैंने सर्कल किए हैं, सेक्शन ए हैविंग फर्स्ट 2 क्वेश्चन कैसे, या तो वो केस बेस हो सकते हैं या वो पैसेज बेस हो सकते हैं। मतलब आपको जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा एक अनसीन पैसेज आता था और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, उस तरीके से। बस ध्यान रखना यहां अनसीन पैसेज नहीं आएगा, वो पैसेज आपकी बुक से ही आएगा, या वो किसी का केस हो सकता है, मीन्स कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, या वो कोई थीसिस हो सकती है, या वो कोई इन्वेंशन हो सकती है, मीन्स वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी की प्रिपरेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा है कि वो कोई केस हो सकता है कि भाई इस केस में ये हुआ, या वो कोई पैसेज हो सकता है कि बुक से उठा के कोई भी पैसेज उठा लिया और उसके नीचे 4 क्वेश्चन दे दिए, वो 4 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज बेस रहेंगे, या स्टेटमेंट दे दी कोई किसी क्वेश्चन की, या किसी टॉपिक की स्टेटमेंट दे दी, भाई इसमें ये होता है या इसमें ये करे तो हम ये हो जाता है, तो वो स्टेटमेंट उसने दे दी, तो ध्यान देना या तो वो केस बेस हो सकता है, या वो पैसेज बेस हो सकता है, या वो स्टेटमेंट बेस हो सकता है। बट वो होगा किस फॉर्म में, या तो वो होगा एमसीक्यूज की फॉर्म में, और एमसीक्यूज में क्वेश्चन दे देगा उसके लिए 4 ऑप्शन दे देगा, बट या वो होगा किस बेस में, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बेस पे। इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रखना है आपको इस साल, मतलब 2021 में असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन सैंपल पेपर में ज्यादा दिए गए हैं। मतलब जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन हैं वो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस ज्यादा दिए गए हैं। और अगर आप सैंपल पेपर चेक करोगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, तो वहां का आप चेक करोगे तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा ही असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, और उसके बाद किसके बाद, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के बाद जो रिमेनिंग 14 MCQs बचे हैं उनमें भी कई जगह उसने असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन दिए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी चैप्टर के आप एमसीक्यूज की तैयारी करोगे तो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। हाँ, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि टाइमली मैं आपको ये बूस्टर देता रहूंगा, ये आपको एमसीक्यूज असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बीच बीच में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड होते रहेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में या पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलती रहेगी, तो वहां से आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बट ये तो बात हो गई स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन थे, रिमेनिंग 14 क्वेश्चन जो है, लेटर 14 क्वेश्चंस आर जनरल एमसीक्यूज,
वो जनरल एमसीक्यूज होंगे या असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मैंने पहले कहा असर्शन रीजनिंग वाला पार्ट ज्यादा दिया गया है, तो थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखना है इस पार्ट पे, ठीक है। सो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, फर्स्ट टू 16। तो पहले जो दो क्वेश्चन होंगे ये केस स्टडी बेस्ड, पैसेज बेस्ड या स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। रिमेनिंग 14 जनरल एमसीक्यू जो आपके होते हैं उस तरीके से होंगे। उसके बाद 9 क्वेश्चंस आएंगे आपके 2 मार्क्स, मतलब सेक्शन बी में आपके आएंगे 9 क्वेश्चंस। सेक्शन सी में टोटल कितने आएंगे, 5 क्वेश्चंस। और सेक्शन डी में टोटल कितने आएंगे आपके, 3 क्वेश्चन। तो ये सेक्शन वाइज क्वेश्चन हो गए। सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चन 16, सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन 9, सेक्शन सी में टोटल क्वेश्चन 5, सेक्शन डी में टोटल क्वेश्चन 3। तो ये हो गए टोटल क्वेश्चन। अगर आप टोटल क्वेश्चन चेक करो तो ये टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 33 होंगे। चेक कर लीजिए, 3 and 5 8 8 and 9 17 17 and 2 19 19 and 14 कितने हो गए, 33। तो ये टोटल 33 क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब सेक्शन वाइज क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा, सेक्शन वाइज क्वेश्चन का टाइप मिलेगा क्वेश्चन टाइप। जो फर्स्ट सेक्शन होगा उस सेक्शन में सारे क्वेश्चन कैसे रहेंगे, 1 मार्क्स ईच, मींस ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल कैरी सेम मार्क, दैट इज 1 मार्क्स ईच। यहां 2 मार्क्स ईच, यहां 3 मार्क्स ईच और यहां 5 मार्क्स ईच। मतलब ए सेक्शन में सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, बी सेक्शन में सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, सी सेक्शन में सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, डी सेक्शन में सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो अभी टोटल सेक्शन वाइज मार्क्स कितने बनते हैं वो चेक कर लेते हैं। अगर 16 क्वेश्चन है 14 + 2 करके, तो फिर टोटल सेक्शन में नंबर कितने होंगे। अब आप कहोगे कि सर 16 नंबर हो जाएंगे, नहीं होंगे। मैंने यही चीज समझानी है आपको कि सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं, बट जो स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन अलग किए गए हैं, इन 2 क्वेश्चन में 4 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मतलब जो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों क्वेश्चन के अंदर 4 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसीलिए जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, 8 मार्क्स के। मैं दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ए सेक्शन का दोनों क्वेश्चन 4 4 मार्क्स के हैं। हाँ, उनके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, बट ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल कंटेन 1 मार्क्स। तो ये चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चंस हैं और जो कि 1 1 मार्क्स ईच है। तो पहला क्वेश्चन जो कितने मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का। तो सेकंड क्वेश्चन में कितने मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का। तो टोटल दोनों क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स के। तो ये हो गए 8 मार्क्स के। और फिर रिमेनिंग जो 14 क्वेश्चन है वो है 1 मार्क्स ही, तो कितने हो गए, 14। तो 14 and 2 टोटल मार्क्स कितने हो गए, 22। तो मतलब फर्स्ट सेक्शन जो है वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। तो ये सेक्शन आपका 22 मार्क्स का हो जाएगा। तो 14 and 8 22 मार्क्स, मतलब MCQs ही आपको पास करा सकते हैं, या ये कहूं जो जिनको पास होने में दिक्कत होती है तो MCQs पास करा सकते हैं, और जिनको अच्छे नंबर, अच्छा स्कोर करना है इस बार, अच्छे नंबर लेने हैं जिनको MCQs, उनका स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं इस बार, ठीक है। सेक्शन ए कितने मार्क्स का हो गया, 22 मार्क्स का हो गया। फिर आपका जो सेक्शन बी है वो कितने मार्क्स का हो गया, 18, क्योंकि 9 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया, सेक्शन बी हो गया 18 मार्क्स का। या टोटल 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कंटेन 3 मार्क्स, और टोटल कितने मार्क्स हो गए, 15। और यहां पर 3 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 15। तो फिर टोटल मार्क्स चेक करो, 22 18 15 and 15, तो 15 15 30 30 and 18 48 48 and 2 50 50 and 20 70 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स आपके ध्यान रखने हैं 22 18 15 and 15। ये नोट मैंने आपको बता ही दिया कि जो पहले 2 क्वेश्चन होंगे वो 8 मार्क्स के होंगे, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन 4 मार्क्स। ध्यान में क्या रखना है, assertion reasoning वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके पेपर पैटर्न की, कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा इस बार।
अब बच्चों के मन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि चॉइस कहाँ कहाँ मिलेगी और कितनी मिलेगी, इस बार सीबीएसई बोर्ड ने आपकी ये मनोकामना भी पूरी कर दी है। इतनी सारी चॉइस दी है आपको कि आप किसी ना किसी पार्ट को तो अटेम्प्ट जरूर कर पाओगे। जैसे चॉइस मैंने यहां लिखी है, अगर मैं सेक्शन वाइज चॉइस की बात करूं, सेक्शन ए बी सी एंड डी, तो सेक्शन ए टोटल क्वेश्चन कितने थे? 16 क्वेश्चन, फर्स्ट 2 क्वेश्चन और फिर देन 14 क्वेश्चन। तो इनमें भी कितनी चॉइस दी गई आपको? 7 टोटल क्वेश्चन 16, बट उनमें भी कितनी कितनी चॉइस दी गई है आपको? 7 चॉइस दी गई है। अगर मैं चॉइस की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक चॉइस है, फिर सेकंड क्वेश्चन में एक चॉइस है, और बाकी जो ये 14 क्वेश्चन बचे हैं इनमें टोटल 5 चॉइस है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में चॉइस, सेकंड क्वेश्चन में चॉइस, और फिर 5 क्वेश्चन में चॉइस आएगी जो आपके 14 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? सेक्शन बी। सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन है 9, और इन 9 क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन में क्या है आपकी चॉइस? मतलब 9 क्वेश्चन और है कितने? 3 चॉइस। 9 क्वेश्चन में भी 3 चॉइस दे रखी है। उसके बाद सेक्शन क्या है? सी। सी सेक्शन में कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5। 5 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन में चॉइस है। उसके बाद सेक्शन कौन सा? डी। डी में तो आपको पता ही है, हर बार 5 मार्क्स के तो हर क्वेश्चन में क्या आती है? चॉइस। कितने क्वेश्चन है? 3, और तीनों के तीनों क्वेश्चन में क्या है? चॉइस है। मतलब सेक्शन डी में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 6 क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में भी, मतलब जो आपका 31st क्वेश्चन है उसमें भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और 32 में भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 33 में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। उन दोनों में से कोई एक एक आपको करना है। ठीक है, तो चॉइस की भरमार है इस बार। कितनी चॉइस होगी टोटल? टोटल अगर आप चेक करो तो 7 एंड 3 10, 10 एंड 5 15, 15 चॉइसेस आपको दी जा रही हैं सीबीएसई के द्वारा आपके केमिस्ट्री के पेपर में। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 33। मतलब 33 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 33 प्लस 15 कितने क्वेश्चन हो गए? 48 क्वेश्चंस हो गए। और 48 क्वेश्चन का मतलब क्या है? सीबीएसई बोर्ड ने आपका काम कर दिया है आसान, कि आपको अगर कोई एक कंसेप्ट नहीं आता था तो उससे रिलेटेड उसी चैप्टर में से कोई दूसरा कंसेप्ट तो आता होगा, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बड़े ही आराम से। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द सीबीएसई रिलीज्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसी पैटर्न के हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज सीबीएसई ने क्या किया है, सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज। और अब हमें क्या करनी है? अपनी तैयारी स्टार्ट।